नमस्कार प्रभा साक्षी, देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर स्पेशल में। आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चोट जबरदस्त तरीके से जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि उसने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत जम्मू कश्मीर के अलगवादी नेता शब्बीर शाह का श्रीनगर स्थित आवास कुर्क कर दिया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि लगभग 21.80 लाख रुपये कीमत का यह घर श्रीनगर के वरजुल्ला थाना क्षेत्र के सनत नगर की बुदशाह कॉलोनी में स्थित है। शाह के खिलाफ धनशोधन का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मई 2017 में लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और अन्य के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी से उपजा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकवाद देखने को मिल जाता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 2 प्रवासी मजदूर घायल हो गए थे, जिनमें से 1 नेपाली नागरिक भी है। कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि आतंकवादियों ने 2 प्रवासी मजदूरों, जिसमें से 1 बिहार का है और दूसरा नेपाल का है, पर गोलीबारी की है, जो अनंतनाग जिले के बोडियालगाम स्थित निजी SAPS स्कूल में काम करते थे। दोनों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में आतंकवाद अंतिम सांस गिन रहा है। उन्होंने सभी हितधारकों से केंद्र शासित प्रदेश में अस्थायी शांति और सामान्य स्थिति लाने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केवल पुलिस और सुरक्षा बल ही अस्थायी शांति नहीं ला सकते हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अन्य धड़े भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उपराज्यपाल का यह बयान केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीरी पंडितों की चुन चुनकर हत्या की घटनाओं को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही आलोचना के जवाब में आया है। सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।